अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये दोपहर का वक्त है, यहाँ पर मैं दोपहर का लंच बना रही हूँ। लंच में मैं चिकन का सालन बना रही हूँ, सिंपल करी जो हमेशा मैं बनाती हूँ। और ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं करी क्योंकि मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पर मेरा मसाला हो गया था, सिर्फ मैं चिकन को फ्राई करके अभी उसमें डाल दूँगी। चिकन भी मेरी फ्राई और मसाला भी दोनों चीज़ हो गई थी। अब मैं चिकन को मसाले में डाल के 5 मिनट फ्राई करूँगी, फिर उसमें दही डालूँगी थोड़ी सी। मैंने चिकन को भुनने के लिए रख दी थी, उसमें दही डाल के चिकन भी अभी थोड़ी देर तक भुनेगा जब तक मैं कचुंबर बना रही थी। यहाँ पर मैं कचुंबर में थोड़ी सी ककड़ी, कांदा, टमाटर, हरी मिर्ची और थोड़ी सी रेड चिल्ली भी डालूँगी। थोड़ा सा स्पाइसी के साथ कचुंबर बना रही हूँ मैं यहाँ पर। इतने मेरा कचुंबर होएगा, मेरा चिकन भी भुन जाएगा अच्छे तरीके से। फिर इसमें हम एज़ पर जितनी हमें क्वान्टिटी चाहिए उस हिसाब से मैं इसमें शोरबा कर दूँगी। और इसके बाद में मैं यहाँ पर मिल्क का शरबत भी बनाऊँगी, वो भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए मेरा कचुंबर बनके बिल्कुल रेडी हो गया। कचुंबर बहुत अच्छा लगता है, ये थोड़ा तीखा सा रहता है, स्पाइसी सा रहता है और आपकी अगर दही खट्टी हो तो थोड़ा खट्टापन भी रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मेरे चिकन का सालन भी कितने अच्छे तरीके से भुन गया है। आपको चाहिए, अगर आपको ड्राई रखना है, इसे ज़्यादा शोरबा नहीं करना है इसमें, तो आप इस स्टेज पर इसका गैस ऑफ कर सकते हो और इसमें कोथमीर काट के डाल देना। यहाँ पर मैं साइड में जल्द से कोथमीर साफ़ कर रही हूँ। कोथमीर मेरा साफ करके हो जाएगा तो मैं उसमें शोरबा करूँगी और जैसे ही शोरबा जाएगा हम लोग गैस बंद करके कोथमीर डाल देंगे। उस दिन मुझे खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मैंने चावल पहले बना के रख दी थी और एक साइड में कचुंबर बनाई थी, एक साइड में सालन रेडी करी थी और मैं रोटी बनाने लगी थी और सबको खाना सर्व करने लगे थे हम लोग साथ ही साथ में। यहाँ पर शायद मेरी हेल्प कर रही थी।
यहाँ पर मेरा सालन रेडी हो गया था, मैंने सालन निकाल दी, सबको सालन सर्व कर दी, शारी लेके जाके दीदी की सबको, यहाँ पर मैंने चावल भी सर्व कर दी हूँ और साइड पे मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लूँगी तो गरम गरम रोटियाँ भी खा लेंगे सब लोग साथ में। यहाँ पर मेरी शायरी ने हेल्प कर रही है, वो सबको खाना ले जाके सर्व कर रही, मैं उतार के दे रही हूँ और मैं साइड में रोटी बना रही हूँ, सब लोग बाहर बैठ के खाना खा रहे थे। और खाना खाने के बाद में यह है शाम का टाइम, मैं हाथ को थोड़ी देर नीचे लेके आई थी, एक डेढ़ घंटा हम लोग नीचे अच्छे से वॉक करके उसने अपने रिक्शा पे राइड लिया, फिर बाद में हम लोग ऊपर गए थे। पर अभी मैं बना रही हूँ शरबत, और वैसे ये वीडियो है ना ईद मिलादुन्नबी का था, मुझे अगले दिन ही पोस्ट करना था पर लेकिन टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल भी, इसलिए मैं आज वॉइस ओवर करके पोस्ट कर रही हूँ। एडिट करके रख दी थी मैंने पर वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ठंडा दूध ली हूँ, आप चाहे तो गुनगुना भी ले सकते हो और पानी में भी घोल सकते हो 2.5 चम्मच। इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर घोल के दूध के अंदर डाल दी थी, और आपको दूध में चम्मच चलाते रहना जब तक चलाना जब तक इसमें 2-3 बॉयल नहीं आ जाए अच्छी तरीके से, और इसको घोलने के टाइम पे भी आपको अच्छी तरीके से इसके सारे लम्स निकाल देने। यहाँ पर अच्छे से मैं चम्मच चला के इसे दूध में डालूँगी और चम्मच चलाते हुए इसे पकाऊँगी। और ये मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काट रही हूँ जिसे मैंने भिगो के रखी थी, इसमें काजू बादाम और थोड़े से पिस्ता है, ये मैं बारीक बारीक काट रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने सब्ज़ा भिगो के रखी थी, और साइड में छोटा सा ये रोज़ वाटर की डिबिया जो आपको दिख रही है रखी हुई, ये भी मैं डालूँगी जब हम फ्लेम बंद कर देंगे। अच्छे से ये दूध शरबत बन जाएगा, थोड़ा सा दूध ठंडा आएगा, उसके बाद में हम लोग इसके अंदर रोज़ वाटर डालेंगे। यहाँ पर इस पर 1-2 बॉयल आ गया था, बॉयल आने के बाद में मैंने इसमें जस्ट 1 पिंच से भी कम ना इसके अंदर हमें फूड कलर ऐड करना है, ये मैंने ग्रीन वाला कलर ऐड करी हूँ, आप लोग चाहे तो रोबज़ा भी डाल सकते हो जब दूध ठंडा हो जाएगा तभी, पर मैंने थोड़ा सा इसमें ग्रीन कलर ऐड करी। और यहाँ साथ में मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल दी थी सारे, और थोड़े से बचा के रख दी थी गार्निशिंग के लिए, और गार्निशिंग के लिए ना मैं एक रोज़ भी लेके आई थी, रोज़ भी डालोगी ऊपर गार्निशिंग में अच्छा लगता है, रोज़ डालने से रोज़ का अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है। आप चाहे तो रोज़ वाटर स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ रोज़ भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर दोनों डाली थी। और घर में ये शरबत सबको बहुत अच्छा लगा था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। ये रहा रोज़ जो मैं थोड़ा सा गार्निशिंग में डालूँगी, और हम लोग थोड़ी सी पिक क्लिक करेंगे इंस्टाग्राम के लिए, आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं अपने इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आपको आगे स्क्रीन पर भी शो होगी। तो यहाँ पर ये फाइनल गार्निशिंग है, मैं थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट जो बचा के रखी थी वो डाल रही हूँ, और आज का व्लॉग बस यहीं पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे दूसरे व्लॉग में।